इस धाकर खिलाड़ी को पछाड़कर शिखर धवन बने आईपीएल 2022 के नंबर वन बल्लेबाज। जी हां दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं शिखर धवन के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही दोस्तों, आपके मुताबिक क्या शिखर धवन आईपीएल 2022 में ऑरेंज कैप अपने नाम कर पाएंगे या नहीं, आप अपनी राय नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुंबई इंडियंस की टीम बुधवार को आईपीएल 2022 में अपनी पहली जीत का खाता नहीं खोल पाई। उसे पंजाब किंग्स ने 12 रनों से हरा दिया। पुणे के एमसीए स्टेडियम में खेले गए मैच में पंजाब ने मुंबई को जीत से दूर रखा और इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस को हरा दिया। इस मैच के बाद ऑरेंज कैप में टॉप 5 खिलाड़ियों की सूची में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। पंजाब के लिए इस मैच में 70 रन बनाने वाले शिखर धवन टॉप 5 में शामिल हो गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि धवन ने अभी तक खेले गए 5 मुकाबलों में 197 रन बनाए हैं। धवन का यह इस सीजन का पहला अर्धशतक है। इससे पहले वे अच्छी पारियां तो खेल रहे थे लेकिन उन्हें बड़ी पारी में नहीं बदल पा रहे थे। धवन ने इस सीजन के मैचों में 43, 16, 33 और 35 रनों की पारी खेली थी। धवन के अलावा इस मैच में पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल ने भी अर्धशतक जमाया है। धवन ने 70 रनों की पारी के दम पर तीसरे स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स के रॉबिन उथप्पा को पछाड़ दिया है। उथप्पा के 5 मैचों में 194 रन हैं। ऐसे में अब शिखर धवन ऑरेंज कैप की रेस में तीसरे स्थान पर आ गए हैं। हालांकि उनसे ऊपर इस लिस्ट में जॉस बटलर है। जॉस बटलर ने अभी तक 218 रन बनाए हैं। वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स के शुभम दुबे हैं। उन्होंने 5 मैचों में 207 रन बनाए हैं। तीसरे नंबर पर अब शिखर धवन आ गए हैं। चौथे नंबर पर रॉबिन उथप्पा हैं और वहीं 5वें नंबर पर लखनऊ सुपर जॉइंट्स के क्विंटन डिकॉक हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या शिखर धवन पहले नंबर पर पहुंच पाएंगे या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।